अल्मोड़ा के दनिया मेलगांव में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट मामले में पुलिस ने क्रॉस मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब दूसरे पक्ष के लोगों ने तीन दंपति पर पथराव कर घायल करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दनिया पुलिस के मुताबिक मेलगांव निवासी मोहन सिंह ने तहरीर दी है। आरोप है कि 27 मार्च को वो और उनके तीन साथी दनिया में सामान खरीद रहे थे। इस बीच हिम्मत सिंह व उनकी पत्नी बसंती देवी, बहादुर सिंह व पत्नी और केसर सिंह व उनकी पत्नी ने अपने घर से पथराव शुरू कर दिया। पथराव में चारों को गंभीर चोट आई, किसी के माथे तो किसी के सिर फूटे। एक साथी के हाथ में गंभीर चोट आई है। आरोप है कि बहादुर सिंह आए दिन मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता है। उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दनिया थाना प्रभारी विजय नेगी ने बताया कि मामले में क्रॉस मुकदमा दर्ज किया गया है। दो दिन पूर्व आरोपी पक्ष ने धन सिंह, राजेंद्र सिंह, सूरज सिंह, गणेश सिंह, मोहन सिंह और राजन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।